Cinema, cinema, cinema. I avoid. But action movies, I can't avoid. हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सलार के बारे में, जो कि उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है जिनके द्वारा KGF बनाई गई थी। तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया है कि प्रशांत नील साहब क्या सोचते हैं, किस हिसाब से उनकी स्टोरी हो सकती है। दूसरी तरफ हमने ट्रेलर भी देख लिया पूरी तरीके से सलार मूवी का, तो इसके अंदर हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं सलार मूवी की स्टोरी के बारे में, दैट व्हाट कुड बी द स्टोरी एंड क्या क्या चीजें हो सकती है। इसकी स्टोरी लाइन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक नाम सुनाई देता है ट्रेलर के अंदर ही, खानसार। खानसार एक जगह का नाम है जहाँ पर गाँव वाले रहते हैं, और एक जंगल के बीच का नाम है जहाँ पर लुटेरों ने कब्जा करके रखा हुआ है। उन लुटेरों की अलग अलग टीमें हैं, जिन टीम के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं एंड वहाँ के हेड बनना चाहते हैं। फिलहाल में जो ट्रेलर देख करके समझ में आता है तो वहाँ का जो लीडर आदमी, उसका नाम है वर्धा, जिनको आपने ट्रेलर में देखा भी, जो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी के ऊपर उनके बाद उनका बेटा बैठे, पर उनके बाद नहीं बैठे, उनके जीते जी ही बैठ जाए उनके सामने। और उनका जो बेटा है उसका नाम है वर्धराज मन्नोर, वो शायद ऐसा ही कुछ नाम है। एंड वो फिलहाल उस खानसार वाले इलाके में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं कहीं और। वो जब वापस आएंगे तब जाकर के उनको वो गद्दी मिलेगी, ऐसा प्लान है वर्धा का, जो कि पिताजी। पर इस बीच उस कुर्सी के पीछे काफी सारे लोग लगे हुए हैं, जैसे कि KGF में भी लोग लगे हुए थे, कोई इधर से आया कोई उधर से आया। इट्स ऑल अबाउट पावर एंड चेयर। वहीं पर दूसरी तरफ बचपन की एक स्टोरी चल रही है हीरो की, जहां पर वो और उनका दोस्त, दोनों शायद अनाथ लगते हैं। दोस्त जो है वो शायद एक कबीले से बिलोंग करता है या उसी कबीले से बिलोंग करता है जहां पर हीरो रह रहा है। हीरो जहां तक लग रहा है वो अनाथ लग रहा है। हीरो का नाम देवा दिखाया गया है, जो कि प्रभास भाई साहब रोल प्ले करने वाले हैं। एंड देवा का रोल कुछ इस टाइप का है कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जान लेना देना एक बहुत ही छोटी सी बात है। वहीं पर कुर्सी के लिए जो फाइट करने वाले लोग हैं, वो हो सकता है नारंग एंड गोरंग का कुछ नाम लिया गया है। ये दो अलग अलग टीमें हैं। जो नारंग भाई साहब हैं वो रशियन लेकर के आ रहे हैं, 6000 वाली नहीं मतलब महंगी वाली, आर्मी को बुला लेते हैं। वो वहां पर पूरे पूरे टैंक के साथ में रशियन आर्मी आ जाती है। दूसरी तरफ जो गोरंग भाई साहब हैं वो सर्जियन आर्मी को बुला लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, या अपनी तरफ से लड़ाई लड़ाने के लिए बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी जो है वो देवा के दोस्त की है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं है, सिर्फ 7-8 मेंबर्स हैं, जो कि हमको ट्रेलर देख करके पता चला। अब उसका बड़ा भाई दिमाग खराब कि अब हम किसको बुलाएं, उनके साथियों का भी दिमाग खराब कि बुलाया जाए तो किसको बुलाया जाए। तो इस बीच उनको याद आती है देवा की, कि देवा को बुला लेंगे बाकी बात खत्म। तो देवा भाई साहब अकेला एक आर्मी मैन बोला जाएगा, मतलब कि एक्चुअली में डिफेंड करने आ रहा है, तो आर्मी तो है, लेकिन जहां पर देवा भाई साहब की एंट्री होती है वहां पर जो उनका लुक है ना, वो एक तरीके से कार मैकेनिक वाला लग रहा है, मतलब स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो कार मैकेनिक वगैरह माने जाएंगे, लाल होंगे नहीं ऐसे, ये हम अपना ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। तो देवा आते हैं, देवा के साथ में कौन होगा, देवा के साथ में सारे गरीब लोग, मतलब गरीब लोग बोले तो जो भी गाँव के बस्ती के लोग है ना, देवा उनको यूनाइट करेगा फिर से, क्योंकि भाई आर्मी चाहिए होती है। आपका कोर कितना स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपको मल्टीपल कोर्स चाहिए होते हैं अच्छी प्रोसेसिंग के लिए। सॉरी मैं टेक्निकल भाषा में पहुंच गया। ऐसे समझिए, आपके पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, आप एक ही झटके में एक पेड़ को उड़ा सकते हो, इतनी ताकत है आपके पास, लेकिन आपको काफी सारे छोटे छोटे पावर वाले लोग चाहिए होंगे, ताकि उस जो लकड़ी का टुकड़ा आपने काटा है उसके छोटे छोटे पीस करो, उसमें तो समय उतना ही जाएगा ना, तो आपको मैन पावर चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं स्टोरी के अंदर गांव वाले देवा की मदद करेंगे। तो देवा अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्त मांग रहा है कि मुझे वो सब कुछ चाहिए है जो मुझे यहाँ दिखाई देता है, मतलब कि उसको भी कुर्सी चाहिए है। तो कुर्सी के पीछे यहाँ पर 3-4 लोग हो गए जो फाइट कर रहे हैं। अब देवा भाई साहब अपने दोस्त की तरफ है, नाउ ही विल आल्सो फाइट फॉर हिज फ्रेंड। देवा को खुद कुछ नहीं चाहिए, बस उसके दोस्त को मिल जाए इतने में वो खुश। वैसे जो रशियन आर्मी आई थी एंड सर्जियन मिलिट्री आई थी, उन दोनों की आर्मी को मिला करके 700 लोग का फिगर बताया गया है कि 700 लोग हैं, तो समझ सकते हो कितनी धुआंधार लड़ाई होगी। एंड टेक्नोलॉजी भी बाखूबी दिखाई गई है मूवी के अंदर। वैसे तो बात कर रहे हैं कि 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज के टाइम से भी थोड़ी सी अपग्रेडेड लग रही है। अभी बात करते हैं प्रशांत नील भाई साहब के बारे में, दैट हाउ ही थिंक्स। तो ऐसा हो सकता है कि एंड में ये देवा की और उसके दोस्त की जो दोस्ती है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं दरार डलवा दे, जो दोस्त अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी कर सकता था, मतलब कहीं पर भी जा सकता था, वो अब उसी के खून का प्यासा हो जाए या लड़ाई हो जाए लास्ट में, ताकि सिक्वल पार्ट भी तो मांगता है ना। एंड वहीं पर भी हम अगर रूमर्स के बारे में बात करें, तो रूमर्स तो ये भी बता रहे हैं कि ये KGF यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है। तो अगर उसका पार्ट है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, KGF की एंट्री कहाँ पर हो सकती है। दोस्ती के हिसाब से तो नहीं आएंगे, मतलब KGF का दोस्त देवा हो सकता है, वैसे इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि
बचपन में दोनों चोरी चकारी क्या करते थे, दोनों ही अनाथ लगभग दिखाए गए। देवानाथ है दैट्स फॉर श्योर, एंड जो उसका दोस्त है उसकी फैमिली है उसी गांव में रहती है। तभी तो देवा बाहर था एंड बाहर से वो उस गांव के अंदर आया है। अब उस जंगल रूपी गांव का नक्शा बदल देगा। गांव का नाम खानसार है अगर आप नाम के ऊपर भी ध्यान दें तो, एंड मूवी का नाम है सलार। तो सलार का खानसार का जो डबल ए आर है लास्ट का वो सेम है, तो मतलब खानसार किसी खान के नाम पे हो सकता है एंड सलार नाम किसी सल नाम से स्टार्ट हो सकता है, मतलब सल कौन हो सकता है, इट्स नॉट सलमान एक्चुअली। हो सकता है हीरो के दोस्त का नाम हो जो कि एस ए एल से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ सलार नाम हो सकता है। एंड अभी ये प्रेडिक्शन है, हमको जहां तक लग रहा है कि 70% तक तो मेरी बातें सही रहेंगी क्योंकि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है भाई, ऐसे थोड़ी ना बोल दिया। आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में जरा कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय बताइएगा एंड सलार के लिए आपकी एक्साइटमेंट लेवल कितनी है जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एंड सेम डे पर डंकी भी आ रही है, तो आप डंकी के लिए एक्साइटेड है या सलार के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा। बाकी हम अपनी पर्सनली बताएं तो सलार के लिए ज्यादा ही एक्साइटमेंट होगी क्योंकि भाई साहब एक एक्शन मूवी है, एक्शन मूवी के लिए दिल में अलग जगह होती है, नॉट फॉर अ नॉर्मल। ऐसा सिर्फ हमारा हाल नहीं पूरी ऑडियंस का हाल है, वो बात अलग की है। शाहरुख के फैंस जो है वो कुछ ज्यादा ही उदत के तरफ में रहे, बट स्टोरी वाइज एंड खर्चे वाइज बात करें तो एक्शन मूवी ज्यादा एंटरटेन करती है। अभी अगर हम सेम बहादुर और एनिमल की तरफ भी देख लें, हालांकि दोनों ही थोड़ी थोड़ी एक्शन मूवीज थी, पर एनिमल का एक्शन बहुत ऊपर लेवल का था, तभी उसकी कमाई भी बहुत ऊपर की गई। सो ये डिफरेंसेस हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी एंड अच्छी भी लगी, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उधार रहेगा अगली बार का। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।